दोस्तों इस तो हम सब लोग जानते हैं कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, चाहे वो हमारे दांत हों, चाहे वो हमारे बोन्स हों, इनफैक्ट हमारे हार्ट के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूध वगैरह या दही वगैरह कंज्यूम नहीं कर सकते, उन्हें अच्छी ही नहीं लगती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो कैल्शियम है वो सबसे ज़्यादा हमें दूध से मिलता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। घबराने की बात नहीं है, 10 ऐसे सोर्सेज जिनमें कि दूध से भी ज़्यादा आपको कैल्शियम मिलेगा। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दिग्विजय सिंह, इंडियन आर्मी रिटायर्ड, अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ सर्टिफाइड फिजिकल ट्रेनर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं अपनी और अपनी फैमिली से रिलेटेड हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी सभी बातों के बारे में। तो बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को करते हैं शुरू और डायरेक्टली आ जाते हैं कैल्शियम के सोर्स नंबर 1 पे। अगर आप 12 से 15 बादाम एक दिन में खाते हैं तो आपको लगभग 50 मिलीग्राम कैल्शियम उनसे मिल जाएगा। बात कर रहे थे पॉइंट नंबर 2 की। नंबर 2 कैल्शियम का जो सोर्स है वो है ड्राइड फिक्स या फिश, जिसे हम अंजीर कहते हैं। मुट्ठी भर अगर अंजीर खाते हैं तो आपको लगभग 50 mg जो है वो उसमें कैल्शियम मिल जाता है। बात कर लेते हैं सोर्स नंबर 3 की, और वो है ओकरा, भिंडी। भिंडी भी कैल्शियम से भरपूर है, और अगर आप एक कटोरी भिंडी खाते हैं तो आपको लगभग 50-60 mg कैल्शियम उसमें से मिल जाता है। दोस्तों मोरिंगा को एक सुपर फूड माना गया है, और अगर इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये हमको मददगार साबित होता है। हम यहाँ बात करें कैल्शियम की, तो अगर हम इसको अपनी सब्जी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो हमें अच्छी खासी मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है। दोस्तों जो तिल होते हैं ना, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम के। अगर एक बड़ी चम्मच आप खा लेते हैं तिल, तो उसमें करीब 90 mg हमें कैल्शियम मिल जाता है। किडनी बीन्स या फिर जो राजमा, अगर आप नहीं खाते हैं तो आज से अपनी डाइट में कर लीजिए शामिल, क्योंकि इसमें प्रोटीन और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स होने के साथ साथ इसमें कैल्शियम भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। अमरनाथ या राजगिरा एक बहुत ही अंडररेटेड फूड आइटम है। अमरनाथ के अंदर हमें बहुत अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन भी मिलता है, और ये एक मिलेट्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन बात करें अगर कैल्शियम की, तो कैल्शियम भी इसमें अच्छा खासा हमें पाया जाता है। नंबर 8 पर एक ऐसा आइटम है जिसके बारे में आप ये नहीं सोच सकते कि इसके अंदर कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और उसका नाम है पालक। पालक को हम जानते हैं एक बहुत ही अच्छे आयरन के सोर्स के रूप में, लेकिन इसके अंदर कैल्शियम भी बहुत अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो अगर आप नहीं खाते हैं तो यूज़ करना शुरू कर दीजिए। नंबर 9 पर है टोफू, जो कि हमें सोए के मिल्क से बनता है। इसके अंदर प्रोटीन होने के साथ साथ अगेन इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छी खासी मात्रा में होता है। नंबर 10 पर है रागी, जिसे हम इंग्लिश में फिंगर मिलेट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फायदे होते हैं। रागी एक बहुत ही अच्छा मिलेट है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है। ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज को स्लो रिलीज करता है, उसके साथ साथ इसके अंदर कैल्शियम भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर वीडियो होता है ख़त्म। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।